नाजीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स, प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एस ए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एस ए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमर हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक्सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी, दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर, नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स, हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाके, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफुज की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपर मार्केट, शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तलबा की गैर हाजिरी के बायस सिंगल टीचर वाले सरकारी स्कूल बंद न किए जाए, हुकूमत हर गांव तक तालीम की फराहमी के लिए पाबंद है, वजीर आला का खिताब। मरकजी काबीना की हल्फ बर्दारी के चंद घंटों में ही नाराजगियों की तिला, तेलुगुदेशम की स्पीकर और एनडीए कन्वीनर के ओहदे पर नजर। नकली अद्वियात की रोकथाम के लिए हुकूमत की निगरानी जारी, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए इकदाम। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को हवाले किए तकरनामे। और रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क हादसे, मलारदे फली में खातून हलाक, सिद्दीपेट और अत्तापुर में RTC बस की टक्कर से 2 अफराद की मौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वंदे मातरम फाउंडेशन की तरफ से पीर को रविंद्र भारती में SSC में मियारी निशानात पर कामयाब तुलबा को तहनियत पेश की गई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर हुकूमत की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम होता तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स यानी कि कॉरपोरेट स्कूल्स के तुलबा के साथ मुसाबकत करते हुए सरकारी स्कूल्स के तुलबा ने बेहतरीन मजहरा किया है और ये हमारे लिए फख्र की बात है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी कि तुलबा की गैर हाजिरी के बायस सिंगल टीचर्स वाले स्कूल्स बंद न किए जाएं। रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत हर गांव तक तालीम की फराहमी के लिए पाबंद अहद है। वजीर आला ने बताया कि तमाम सरकारी स्कूल्स की इमारतों की तामीर नौ के लिए हुकूमत ने 2,000 करोड़ रुपए से कामों का आगाज किया है।
सरकारी स्कूल्स का निजाम खवातीन तंजीमों के सुपुर्द किया गया है। वजीर आला ने कहा कि 90% IAS और IPS ओहदेदार सरकारी स्कूल से ही आते हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि स्कूल्स की जरूरियात के लिए ग्रीन चैनल्स के तहत रकम फराहम की जाए। वजीर आला ने तुलबा और वंदे मातरम फाउंडेशन को भी मुबारकबाद दी। वास्तव में इलांट कार्यक्रम राष्ट्र प्रभुत्व परंगाने अधिकारिक निर्वहिस्ते बागुंडेदि कानी प्रभुत्वं चेयाल्सिन बाध्यतनु वंदे मातरम फाउंडेशन निर्वहिंचडं द्वारा मा प्रभुत्वानिकि कूडा बाध्यतनु गुर्तु चेसिनरु। इदि ओक मंचि कार्यक्रमं अनि चेप्पि नेनु ई संदर्भंगा तेलियजेयदल्चुकुन्नानु। మిత్రులారా, మీ తల్లిదండ్రులు కష్టపడి మీ తల్లిదండ్రులు మీ మీద ఎన్నో ఆలోచనలు పెట్టుకొని మిమ్మల్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పంపించిండు అంటే ఆర్థికంగా వాళ్ళు బలహీనంగా ఉండడమో లేదా గ్రామాలలోనే లేదా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివించాలనే పట్టుదలను నాకు తెలియదు। ఏది ఏమైనా ప్రైవేట్ పాఠశాలలతో పోటీపడి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్న మీరు ఈ రకంగా రాణించడం ఇది ప్రభుత్వానికే గర్వకారణము। నారాయణ కాలేజీలో ర్యాంక్ సాధిస్తే నారాయణ గారు ఫోటో దిగి ఈ విద్యార్థులు నా కాలేజ్ అని చెప్పుకుంటాడు। ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మీరు ఈ రోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో రాణించి ప్రతిపని చాటితే ఈ ప్రభుత్వం నాది, నా ప్రభుత్వంలో చదువుకున్న విద్యార్థులు మీరు రాణించిందంటే మీరందరూ మా విద్యార్థులు, నారాయణ చైతన్య లాంటి ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ పాఠశాలలతో కాలేజీలతో మా విద్యార్థులు కూడా పోటీ పడగలుగుతున్నారు అని అంటే అది మా గౌరవానికి గుర్తింపు। ఇందులో మా ప్రయత్నం పెద్దగా లేకపోయినా మా ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున మీ పట్ల దృష్టి సారించకపోయినా మట్టిలో మాణిక్యాలుగా మీరు రాణించి ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వానికి గౌరవం తెచ్చిపెట్టినందుకు విద్యార్థిని విద్యార్థులందరిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को ज़िराअत और इमदाद बाहमी शोबे के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फसलों की कर्ज माफी के बशमूल दूसरे उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। रियासती वज़रा भट्टी विक्रमारका, टी नागेश्वर राव के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुतालिका महकमेजात के ओहदेदार इजलास में शरीक थे। ओहदेदारों की तरफ से वजीर आला को मुख्तलिफ उमूर से भी वाकिफ कराया गया। काबिनी वज़रा के हलफ लिए चंद घंटे ही गुजरे हैं, लेकिन हलीफ जमात बिलखसूस तेलुगुदेशम और शिवसेना शिंदे ग्रुप की तरफ से नाराजगी का भी इजहार होने की इत्तला मिली है। लेकिन अब तक की जो इत्तला है, तेलुगुदेशम की तरफ से स्पीकर के ओहदे की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। दिल्ली में मसरूफियात के बाद आंध्र प्रदेश के होने वाले वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पीर को विजयवाड़ा पहुंच गए। 12 जून को चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने का ऐलान किया है। बताया गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी हलफ बरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। मालूम हुआ है कि एनडीए के कन्वीनर के ओहदे के लिए भी तेलुगुदेशम इसरार कर रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी भी मरकजी काबीना में मौसर नुमाइंदगी न मिलने पर नाराज देखे जा रहे हैं। मरकजी काबीना के कलमदानों की तस्सीम अमल में आ चुकी है। अमित शाह वजीर दाखिला बरकरार रहेंगे। राजनाथ सिंह दिफा, एस जयशंकर खारजा, नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट, निर्मला सीतारमन को फाइनेंस का कलमदान बरकरार रखा गया है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले जी किशन रेड्डी को कोयला व कानकनी का कलमदान दिया गया है। पिछली काबीना में वह सियाहत और उसके साथ साथ
میوزیم شمال مشرقی ریاستوں کے امور کے وزیر تھے۔ آندھرا پردیش میں تیلگو دیشم سے تعلق رکھنے والے رام موہن نائیڈو کو شہری ہوا بازی کا قلم دان دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ حکومت نے نقلی ادویات بنانے والوں کے خلاف سخت کاروائیاں کی ہیں۔ ریاستی وزیر نے پیر کو ڈرگ انسپیکٹرز کو تقرر نامے حوالے کیے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ریاستی وزیر نے کہا کہ نقلی ادویات کی روک تھام کے لیے مسلسل نگرانی جاری ہے، ڈرگ انسپیکٹرز کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ریاست میں ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن کو مضبوط بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ریاستی وزیر نے زون 1 سے 5 تک 17 ڈرگ انسپیکٹرز، زون 11 سے 12 تک 5 انسپیکٹرز کو تقررنامے حوالے کیے۔ اس موقع پر نئے ڈرگ انسپیکٹرز کو نقلی ادویات کی روک تھام کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی گئی۔ کانگریس کے ترجمان سی دیاکر نے نیٹ کا امتحان منسوخ کرتے ہوئے دوبارہ انعقاد کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیاکر نے کہا کہ نیٹ کا پیپر لیک ہونے کے پیچھے بی جے پی کے لیڈرز ملوث ہیں، طلباء کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتائج اور امتحانات میں دھاندلیاں کی گئیں لیکن بی جے پی کے لیڈرز اس معاملے پر خاموش ہیں۔ تیلگو ریاستوں کے طلباء کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہے، کئی طلباء کو رعایتی نشانات دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس متاثرہ طلباء کے لیے انصاف کی خاطر جد و جہد کو جاری رکھے گی۔ کانگریس پارٹی کے وپ آدی سرینواس نے کہا کانگریس واحد پارٹی ہے جو کسانوں کی بھلائی چاہتی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے قیام کے بعد کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کام کیے جا رہے ہیں۔ 69 لاکھ کسانوں کے کھاتوں میں 7,000 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جمع کرائی گئی ہے۔ بی آر ایس کے لیڈر ہریش ٹاک کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے آدی سرینواس نے کہا کہ سابق وزیر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ بی آر ایس نے اپنے دور میں پہاڑی اور بنجر زمینیں کسانوں کو دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگست میں کسانوں کے قرض معاف کرنے جا رہے ہیں، کیا ہریش راؤ استعفا دینے کو تیار ہیں؟ ریاستی عازمین سے متعلق کسی بھی طرح کی تفصیلات کے لیے ریاستی حج کمیٹی کی طرف سے حج ہاؤس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر صدرنشین حج کمیٹی خسرو پاشا بیابانی نے بتایا کہ 24 گھنٹے یہ خدمات دستیاب رہیں گی۔ سعودی عرب میں مقیم عازمین اپنی شکایات کے لیے اس کنٹرول روم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی عازمین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ صدرنشین حج کمیٹی نے بتایا کہ عازمین کو کسی بھی طرح کی تکالیف نہ ہو، اس کے لیے حج کمیٹی کی طرف سے ممکنہ کوششیں جاری ہیں۔ خسرو پاشا نے بتایا کہ عازمین کے افراد خاندان میں کسی بھی شکایت کے سلسلے میں اس کنٹرول روم سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے دفتر میں عوامی شکایات کی سماعت کا پروگرام پرجاوانی پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ پیر کو میئر وجے لکشمی اور انچارج کمشنر امر پالی نے عوامی شکایات کی سماعت کی۔ عوام کی طرف سے مختلف بلدی و آبرسانی کے مسائل سے میئر اور انچارج کمشنر کو واقف کرایا گیا۔ اس موقع پر بلدیہ کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ میں ساؤتھ ویسٹ مانسون سرگرم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے مختلف حصوں میں کہیں ہلکی تو کہیں شدید بارش ہو رہی ہے۔ شہر کے علاقوں ملکاجگری، سینک پوری، آئی سی آئی ایل، کاپرا، ناگارم، دمائی گوڑا، بولارم، الوال، مولالی، ماریٹ پلی سے شدید بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ ازلا، کھمم، سوریا پیٹ، نلگنڈا، سدی پیٹ، میدک، سنگاریڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی ہے۔ وسطی حیدرآباد بالخصوص شہر میں متلا ابرآلود رہا، چند علاقوں میں بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون سرگرم ہو چکا ہے۔ آئندہ 5 دنوں کے دوران شمالی و وسطی تلنگانہ میں بارش کا امکان ہے۔ ریاست کے درجے حرارت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی صدارت میں راجندر نگر کے علاقے ورم گڈے میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے جی ایچ ایم سی، محکمہ برقی و آبرسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے ریلوے ٹریک کے کاموں کا جائزہ لیا۔ مذکورہ کام عرصے دراز سے رکا ہوا ہے۔ دورے میں ان کے ہمراہ سابق رکن بلدیہ حبیب زین عارف کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدر و متمدین اور کارکن موجود تھے۔
चारमीनार दुनिया भर में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान की शिनाख्त की अलामत है, लेकिन इन दिनों चारमीनार के आसपास के इलाके गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का अड्डा बन चुके हैं। चारमीनार बस स्टैंड के पास नशा करने वाले बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। पुलिस की गाड़ी पर भी मुबैना हमले का वाकया पेश आया है। पुलिस शहर के दूसरे इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम देती है, लेकिन अमन के लिए खतरा, ताजरीन के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले इन नशे के आदि अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। रास्ता चलने वालों के साथ गाली गलौज और हमले के वाकयात भी पेश आ रहे हैं। हजरते पुलिस को ख्वाब गफलत से बेदार होने की जरूरत है, ताकि चारमीनार के आसपास रहने वाले आने जाने वाले सयाहों को इन अनासिर से कोई खतरा ना हो। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने दरगाह हजरत यूसुफैन के उर्स की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकने बल्दिया जफर खान के अलावा सरकारी महकमेजात बलदी बरकी और आबरसानी के अहदेदार मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन मौजूद थे। वाज़ह रहे कि मजलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उर्स की तैयारियों में खुसूसी तवज्जो दी जाती है। रियासत तेलंगाना बशमूल दारुलहुकूमत हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर सड़क के हादसे पेश आए हैं। मिलारदेव फली के हदूद में पीर की सुबह के वक्त में खानगी बस की टक्कर से खातून फौत हो गई। मुकामी अफराद ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मुकामी वाकया पहुंच कर जायजा लिया। पुलिस को मुतवफिया का सेलफोन और एक बैग दस्तियाब हुआ। बताया गया कि बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया। मुतवफिया जिम से मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि आरामगढ़ चौराहे के पास यह हादसा पेश आया। मैलारदेव फली पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी है, ड्राइवर फरार बताया गया है। अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद के चिंतलमेट में आरटीसी बस की टक्कर से एक शख्स फौत हो गया। बताया गया है कि शख्स पीर की शाम के वक्त सड़क उबूर कर रहा था, आरटीसी बस की जद में आ गया। अतापुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। उधर सिद्दीपेट के अक्कनापेट के पास आरटीसी बस ने भी बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि उसका साथी जख्मी हुए। दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। नौजोन पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नौजोन प्रियादर्शनी ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने मोइनपल्ली पुलिस हदूद के इलाके में सरके की ज्यादा वारदात में पेश आने पर तहकीकात करते हुए 3 सारिकों रजा खां, नोमान और वेंकटैया को गिरफ्तार किया। मुलजमीन के खिलाफ 17 केसेस दर्ज बताए गए हैं। उनका कहना था कि रजा खां और नोमान मोटरसाइकिलों का सरका किया करते, जबकि वेंकटैया मोटरसाइकिलों के जाली आरसी बुक तैयार करता था। पुलिस के मुताबिक टास्क फोर्स ने मुजरिमीन के कब्जे से 14 मोटरसाइकिलें बरामद की है। आदिलाबाद यापुलकुड़ा देहात में बरखी मीटर कनेक्शन के लिए खंबे पर काम करने वाला लाइनमैन शॉक लगने से फौत हो गया। मुतवफी की शिनाख्त 38 साल राममूर्ति की हैसियत से की गई। बताया गया कि जब राममूर्ति खंबे पर काम कर रहा था, अचानक बर्फी रोक गुजर गई और उसकी बरसरे मौका मौत हो गई। अफसोस की बात है कि 4 घंटे तक राममूर्ति की लाश खंबे पर लटकी रही, बाद में पुलिस को चला दी गई। पुलिस ने मुकामे वाकया पहुंचकर बर्फी अमले की मदद से लाश को निकाला और हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स, प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अक्सात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस लो वेस्टेज के साथ जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल 7 टॉम्स रोड डोली चौकी हैदराबाद अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहायश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाके जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी माविन हाइट्स मल्लेपल्ली माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा माविन आशियाना मल्लेपल्ली माविन क्लासिक मासब टैंक बेहतरीन फैसिलिटीज आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफुज की जामिन है अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद तलबा की गैर हाजिरी के बायस सिंगल टीचर वाले सरकारी स्कूल बंद न किए जाएं हुकूमत हर गांव तक तालीम की फराहमी के लिए पाबंद है वजीर आला का खिताब मरकजी काबीना की हल्फ बर्दारी के चंद घंटों में ही नाराजगियों की तिला तेलुगुदेशम की स्पीकर और एनडीए कन्वीनर के ओहदे पर नजर नकली अद्वियात की रोकथाम के लिए हुकूमत की निगरानी जारी ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए इकदाम वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को हवाले किए तकरारनामे और रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क हादसे मलारदे फली में खातून हलाक सिद्दीपेट और अत्तापुर में आरटीसी बस की टक्कर से 2 अफराद की मौत इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है अल्लाह हाफिज़